मिलान से जो है हम लोग निकल गए थे और उसके बाद मैंने लिया है कार, रेंट किया है एंड अभी हम निकल रहे हैं पीसा के लिए। तो वहाँ पे सेवन वंडर का जो एक वंडर है तो उसके लिए जो है हमने ये वाला कार लिया है जो कि यहाँ का ही कार है, यूरोप कोई ब्रांड है, पियोजोट करके एक ब्रांड है, उसी का जो है कार हमने रेंट पे लिया है और उससे ही जो है हम लोग जा रहे हैं पीसा, मिलान टू पीसा। तो चलो अब हम आगे का सफ़र दिखाते हैं आपको। तो ये तो ब्रांड है, उसकी गाड़ी है और इसी से जो है हम लोग जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अभी रुका है क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान ले लेना चाहिए, खाना पीना, तो उसके लिए ये गाड़ी है। इसका मैं आपको फ्रंट व्यू भी दिखाती हूँ। तो इस टाइप की ये गाड़ी है। तो अभी हम आए हैं इधर और थोड़ा बहुत खाने का सामान यहाँ से लेंगे। तो अभी जो है हमने खाने के लिए कुछ कुछ ले लिया है, पानी, कोक एंड बिस्किट टाइप का। तो अभी चलते हैं, बैठते हैं, फिर बाद में आके जो है डिनर किया जाएगा आगे। तो मिलान से पीसा पहुंचने में जो है हमें लग गया था 3-3.5 घंटा। तो हम 6 बजे निकले थे और हम पहुंचे थे 6:30 बजे और 6:30 बजे आप देख सकते हो कि कितना अंधेरा हो चुका है और कितना सुनसान हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई लोग भी नहीं दिख रहे थे। और हमने जो है ऑनलाइन बुकिंग किया था तो हमें डर भी लग रहा था कि सब तो सो चुके हैं तो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी जस्ट जो है हम मिलान से 3 घंटा जो है कार में ट्रैवल करके पहुँचे हैं पिज़्ज़ा। तो अभी हम जस्ट रुके हैं खाने के लिए, तो यहाँ खाएंगे हम पिज़्ज़ा। चलो खाते हैं। तो खाने के बाद जो है हम निकल गए थे अपने होटल की तरफ और ये बज रहे हैं 9:30 और इतना अंधेरा, इतना डरावना सा हो चुका था, हमें तो बहुत ही अजीब लग रहा था। बट हम होटल के तरफ जा रहे थे और ये होटल जो है बहुत अच्छा था इसलिए हमने ऑनलाइन बुक किया था। बट जब हम होटल पहुँचे तो वहाँ पे इतना सुनसान था और वहाँ पे हमें जो है कोई भी नहीं मिला, इवन रिसेप्शन में भी कोई नहीं था। और हमने बहुत ट्राई किया कि हमें कोई मिल जाए जो हमें रूम दे दे, क्योंकि 9:30 बज गया था और सब सन्नाटा हो गया था तो हमें डर भी लग रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था और हमें जो है दूसरा होटल बुक करना पड़ा और इसका भी जो है हमें पैसा नहीं मिला। क्योंकि इतना रात में सब सुनसान हो गया था, हमें तो बहुत डर लग रहा था। बट ये जो होटल है हमें मिल गया था और ये होटल जो है अच्छा खासा ही होटल था। तो हम चलते हैं ऊपर और आपको देते हैं टूर। ये जो है इनका नीचे में कैफे है, तो चलो हम आपको टूर देते हैं। तो ये है हमारा रूम, चलो देखते हैं कैसा है। ओके, इसमें डालेंगे की नहीं। ओके, तो ये जो है रूम है, ये रूम तो पूरा पुराना जमाना का भूतिया रूम लग रहा है। बट यूरोपियन पुराना जमाना वाला आई थिंक इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा होगा। और ये है टॉयलेट, इसका लाइट किधर से है। तो ये है टॉयलेट, आई थिंक ये यूरोपियन स्टाइल का जो है पुराना जमाना का होटल है। तो होटल में चेक इन करने के बाद जो है हम निकल गए थे टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। बट जब मैंने बाहर निकला तो देखा कि पूरा शांत हो चुका है माहौल, कुछ भी नहीं था खुला हुआ। तो मैंने ये थोड़ा बहुत देखा एंड उसके बाद हम रिटर्न जो है होटल चले गए थे एंड रेस्ट करके जो है हम कल सुबह निकलेंगे। लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जो आपका व्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे। थैंक यू गाइज़।